या भाइयों, ये जो वीडियो आ जाइए, इसका एक भी सेकंड मिस मत करना है, क्योंकि इसके अंदर जो भी आपके भाई के साथ में हुआ है वो आपको देखने के बाद बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं लगने वाला है, क्योंकि रियलिटी में ऐसी सारी चीजें हुई है ना। मैं सच बता रहा हूँ, 2 दिन से हॉस्पिटलाइज, सच बताऊँ 2 दिन से हॉस्पिटल में रह के आया हूँ भाई। तो मेरी क्या हालत हुई है मैं जानता हूँ यार। सॉरी यार मीत भाई, आपका जन्मदिन था, वीडियो नहीं डाल पाया भाई। हो ही ऐसा गया था मेरे साथ में कि कैसे वीडियो डालूँगा, कुछ भी समझ नहीं आया। बहुत बुरा हाल हो गया था भाई, सच बोल रहा हूँ। इस वीडियो का एक भी सेकंड या एक भी पार्ट बिल्कुल मिस मत करना यार। वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखोगे ना तो जो हुआ है ना सब कुछ समझ आ जाएगा भाई। जिंदगी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ साथ में यार। उम्मीद करता हूँ आप सब इस वीडियो को बहुत प्यार देंगे और साथ देंगे आपके भाई का। जो भी मेरे साथ हुआ है वो बहुत बुरा था। तो ऐसा कोई भी कहीं पे भी अगर जाते हो तो प्लीज़ किसी को साथ में लेके जाना, ताकि ये सारे इंसिडेंट जो मेरे साथ हुए आप लोगों के साथ में ना हो। प्यार की उम्मीद करूँगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए यार। लव यू ऑल। आगे कुछ नहीं बोलना चाहता यार, बस वीडियो देख लेना पूरी बिना स्किप के। नमस्कार भाइयों, राम राम, सलाम, आदाब, दुआ, सत श्री अकाल और आप सबका प्यार। आप सबके प्यार के साथ में आपका भाई सूर्या वापस से एक ऐसी लोकेशन पर आया है जिसके बारे में बहुत बुरा बोला गया है। ये लोकेशन है प्रतापगढ़ जिले में भाई, गूगल सर्च कर लेना, मैप पे चेक कर लेना, ये लोकेशन मिल जाएगी। तो सेम ऐसी लोकेशन पहले भी विजिट कर चुका हूँ मैं, तो बाहर से देखने पे सेम वैसा ही लग रहा है, अंदर जाने के बाद पता चलेगा भाई लोकेशन क्या है और क्या होता है इसके अंदर। तो क्लियर कुछ नहीं पता है, लोकेशन है आप लोगों के सामने रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आप सबके प्यार से आपका भाई सूर्या भी ठीक है और बहुत अच्छे से। तो आपका प्यार जो मिल रहा है बस उसको ऐसे ही बनाए रखिए। बाकी चलते हैं भाई आगे, आ जाओ ध्यान से आना। चलो आगे चलते भाई, हैं। आज की लोकेशन पे कुछ भी पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं बोल सकते। तो जो भी है जैसा भी है आप लोगों के सामने रहेगा। जानवरों की आवाजें हो रही है। तो मैं ये बोल रहा था कि भाई अभी तक जिस भी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। और जो है इंस्टाग्राम आईडी डिस्प्ले हो रही होगी भाई, फॉलो कर लेना उस पर। अजीब लग रही है लोकेशन यार भाई, हाँ बिल्कुल। लाइट को थोड़ा नीचे रखो, लाइट को नीचे रखोगे ना तो क्लियर रहेगा। अभी हाँ ओके है, ओके ओके। हाँ चले भाई आगे बढ़ते हैं। आगे आगे चलते हैं। भाई इस लोकेशन के बारे में मैंने भी कहीं से पढ़ा था, देखा था इसको, उसके बाद में यहाँ आने की इच्छा हुई मेरी और मैं आके पहुँच गया हूँ भाई रात के इस टाइम पे। भाई रात का एक बार टाइम दिखा दो, नेटवर्क नहीं आते यहाँ पे, वो टाइम फोकस कर दो। 11:56 हो रही है भाई और नेटवर्क बिल्कुल नहीं है भाई यहाँ पे। बस ये भी दिखा दो भाई, नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है भाई नेटवर्क। तो लोकेशन पे रात के इस टाइम पे मैं खड़ा हूँ सिर्फ आप लोगों के भरोसे। यार अपना प्यार बनाए रखो चैनल पे, आगे चलते हैं भाई। जो भी है जैसा भी है देखा जाएगा, अगर कुछ मिला तो ओके, बाकी लोकेशन एक्सप्लोर करेंगे पूरी। ठीक है भाई।
क्योंकि इस लोकेशन पे किसी और चीज का डर नहीं है। अगर कोई जंगली जानवर हुआ इसके अंदर तो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे भाई, ये पक्का है। तो जान को जोखिम में डाल के आपके लिए वीडियो से लेके आते हैं, तो आपका फर्ज बनता है भाई उस वीडियो को लाइक करना। तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। ये जो लोकेशन है सेम वैसी ही लग रही है जैसा हमने पहले विजिट कर चुके हैं। लोकेशन इसके अंदर भी देख लो, हवा तक नहीं है। आ जाओ भाई, जंगली जानवरों का खतरा बहुत ज्यादा है इस जगह पे। थोड़ा अजीब सा डर भी है इसके अंदर आने के लिए, लेकिन लोकेशन एक्सप्लोर करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं ना गहराई बढ़ती जा रही है ना। हाँ बहुत गहराई हो गई यार, कम से कम ये होगी देखो 250 से 300 फुट गहराई। ये कैसा पेड़ है यार? अच्छा बरगद का पेड़ है, लेकिन इसके अंदर इसकी हाइट भी ज्यादा नहीं है, इसके अंदर ही है। शायद इसके अंदर जाने के लिए रास्ता बंद किया गया है ताकि अंदर कोई पहुंच ही नहीं, इसलिए वजह से काटे होंगे शायद। पता नहीं क्या रीजन है भाई, इस जगह के बारे में बहुत बुरा सुना है, कोई जानवर है या क्या है नहीं पता है, लेकिन लोकेशन चेक करने के लिए इसी रीजन से पहुंचा हूँ। यहाँ पे अक्सर जो है हादसे होते रहते हैं, अभी रिसेंटली भी कोई हादसा हुआ था यहाँ पे कुछ टाइम पहले। कोई ना, जो है जैसा भी है देखेंगे भाई। अभी आप जो से अपना जो प्यार है वो बनाए रखते हुए हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार है आपका भाई, थैंक यू सो मच दिल से। आगे देखते करना पड़ेगा यार भाई, यहाँ से एक बार इसकी जो डेप्थ है ना वो दिखाओ एक बार आप, कुछ भी नजर नहीं आ रहा ऊपर, कुछ भी नहीं। एक बार आगे है ना, बिल्कुल बंद जैसा नजर आ रहा भाई। आगे रास्ता भी है कि नहीं है यार? हाँ चलते हैं, अगर कोई बात हुई तो मुझे नहीं पता, कैमरा वैमरा मैं तो निकल जाऊंगा। ठीक है बाकी यार बहुत भारी है तो ये देखो चट्टाने वगैरह, अरे ऊपर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, सच बता रहा हूँ। बॉस ये चट्टाने गिर गई तो अपने को संभालने वाला भी नहीं है भाई। नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ। बस एक चीज है कि मोबाइल में इमरजेंसी नंबर जो सेट होता है, थ्री टाइम अगर प्रेस करेंगे तो सीधा पुलिस को फोन लगेगा, यहाँ की जो पुलिस है सीधा उसको फोन लगेगा। लेकिन भाई इसके
अंदर आने के बाद में जो फील है ना भाई, ओ भाई साहब, सच में मतलब ऐसी चीज और ऐसी जगह है भाई, रियल बता रहा हूँ, ऐसी जगह कोई नहीं बना सकता। कुदरती जो बनी भी है ना, वही है ये सारी चीजें भाई। यार मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आप 100 साल या 1000 साल भेड़ के जैसे जीने से अच्छा है एक दिन की जिंदगी जियो लेकिन शेर के जैसे। समझ लेना भाई जिसको समझना आया हो, ये जो बात है ना भाई सिर्फ बोलने में इतनी सी है लेकिन अगर आप समझोगे ना इस बात को तो बहुत बड़ा मीनिंग है इस बात का। तो भाई सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल वो से। तो कितना अंदर चलेंगे अपन? पूरी एक्सप्लोर करेंगे जितनी है यार। अच्छा पूरी? हाँ देख लेते हैं जहाँ तक रास्ता होगा वहाँ तो एक्सप्लोर करेंगे, कुछ मिला तो ओके नहीं तो वापस चलेंगे भाई। काटे बहुत है और कैमरा करो कहाँ तक है काटे, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा कुछ ध्यान से ना। काटे है यार आगे तक है, चलो धीरे धीरे आगे रास्ता का। रास्ता है भी सही कि नहीं है आगे? हाँ भाई दिख तो नहीं रहा, बनाना पड़ेगा, रास्ते होते ही नहीं है, बनाने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, जिंदगी का सफर ऐसे ही निकलता भाई। भाई लोगों का सपोर्ट है, बहुत मुश्किलें आती है पर प्यार जो है भाइयों का और जो साथ है वो भाई एक मतलब अलग ही लेवल पे ले जाता है यार। और जो भी हो जैसा भी हो भाइयों का प्यार है। अरे अरे भैया भैया पीछे क्या है, रोशनी हो रही? रुको रुको एक मिनट करो कैमरा, वो देखो कुछ जल रहा है, आग जल रही है ऐसा लग रहा भाई, क्या करें? जूम करना कैमरा, जूम करते हैं, जूम जूम यहाँ से। रास्ता भी बंद है? रास्ता बंद है ये भाई, कोई चीज़ नजर आ रही है, इंसान है क्या जानवर है? अरे नहीं वो हड्डी खोपड़ी भी पड़ी है, खोपड़ी पड़ी है भाई ऐसी। तो यहाँ कौन आएगा यार? सूर्य भाई कोई रिक्स ना हो जाए। मेरी बात सुनो, अपन यहाँ से जो है आगे जो चले। हाँ बोलो बोलो हाँ बोलो। अगर अपन यहाँ से आगे चलते हैं तो पता कर सकते कि कौन है, ठीक है? दो रास्ते हैं, आगे चलते तो पता कर सकते कौन है। हाँ बिल्कुल। और अगर पीछे चलेंगे वापस तो यार दिशा अधूरी रह जाएगी, यहाँ आने का जो मकसद है एक्सप्लोर करने का वो अधूरा रह जाएगा, और सामने कोई चीज़ रह गई अगर तो उसका मलाल रहेगा भाई अंदर, नहीं नहीं तो बिल्कुल आने के बाद भी वो नहीं कर पाए। चलते आगे, जो भी होगा देखा जाएगा, और जिंदे रहे तो वीडियो अपलोड हो जाएगी वरना भाई मोबाइल में तो हाँ रहेगी। जिंदा बच गए तो भाई वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर होगी। यहाँ तो लाइव भी नहीं चल सकते, नेटवर्क का कुछ है ही नहीं। बिल्कुल यार सच बता रहा हूँ, अगर यहाँ नेटवर्क होते ना तो मैं आपको लाइव दिखाता ये चीज़। आप डिमांड करते हो ना भाई की लाइव कब आ रहे हो भाई? आज बहुत मतलब ऐसी चीज जो है आप लाइव देखते ना आपको बिलीव हो जाता भाई कि रियल में आपके भाई के साथ में क्या क्या होता है। किस्मत खराब है, नेटवर्क नहीं है यार। बहुत ज़्यादा मैं ट्राई करता हूँ, 3 बार प्रेस करता हूँ मोबाइल, ठीक है फिर कॉल लगता है, इमरजेंसी नंबर कॉल लग रहा है भाई, देखते हैं क्या होता है। कर दो ये टू टू करेगा बस, कॉल कट हो गया वापस, टू टू करेगा और कुछ नहीं होगा। कोई आवाज हो रही है भाई, आग है मतलब कोई ना कोई है, जानवर तो नहीं हो सकता तो भाई कौन है क्या है? क्योंकि जानवर तो देखो आग से दूर भागते हैं, तो ये पक्का पक्का कोई ना कोई है। तो ये पता नहीं है ना भाई, अगर कोई इंसान है या कोई और है तो जरूरी नहीं है ना भाई एक ही हो, हाँ ये बात भी है ज्यादा हो तो यार, अपने पास कोई सेफ्टी है भी नहीं लेके आए।
भाई अपने को थोड़ी पता था ऐसी चीज नजर आने वाली है, दिखने वाली है, लेके आना चाहिए था कुछ, लेके आना चाहिए था। सही बात है, जो भी है अब चलना पड़ेगा आगे। चलना तो पड़ेगा भाई, भाई है क्या बंदा है क्या है कोई कुछ और है, देखना तो पड़ेगा भाई ऐसे। कुछ यार, थोड़ा आगे चले, हिम्मत करते हैं। चलते भाई, आखिरी बार कोई बोल दो भाई लोगों को, अगर कुछ हो भी नहीं जाए है तो। भाई ये वीडियो शेयर नहीं हो भाई तो मैं क्या ही बोलूँ फिर यार। और आप लोगों तो वीडियो पहुंच पाई तो ये समझ लेना आपका भाई जिंदा लौट के आ गया मौत के मुंह से बस। चले भाई, चले, आवाज बंद हो गई। आवाज नहीं हो गई। चलो चलो चलो। रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है, एक बार दिखा दो आप। रास्ता बंद है, पूरा रास्ता बंद है। यार ये कौन है? आप दिख रहा है भाई सामने, बिल्कुल नजर आ रहा होगा ना भाई कैमरे में। वो तपस्या में भंग है, नील हो रखा है तपस्या में। जूम करो ना यार, पास में और पास पास में मत जाओ, यहीं से जूम करो। ये नील हो रखा है तपस्या में, तो ज्यादा बोलेंगे नहीं, धीरे से चलते हैं, धीरे से चलते हैं और देख लेते हैं क्या चीज है। क्या क्या कर रहा है, क्या कर ज्यादा रहा है। छेड़ेंगे तो फिर अपने को दिक्कत नहीं हो जाए भाई। धीरे से चलते हैं और दूर से बना लेंगे, फिर निकलते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल भाई। चलो पास में तो कुछ है नहीं, फिर कहाँ से आया हुआ है। थोड़ा पास चले, साइलेंट और इसकी तपस्या भंग हुई और ये कोई और चीज हुआ फिर। यार बात तो करनी पड़ेगी इससे, बताओ। हाँ सूर्या, तो बात तो कर थोड़ी, क्या बोलते हैं। निकल निकलते बाद चुपचाप निकल जाते हैं। भाई निकलते हैं, तुम्हारी आंखें लाल हो चुकी है। अभी तो ठीक था, आंसू कैसे आ गया आंखों में?
पूछो नहीं, कौन है, क्या कर रहा है यार पीछे, आवाज किसी किसी आवाज थी यार। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? हम कुछ बोल भी नहीं रहे। चले जा। क्या करें भाई? है कौन है? अब एक बार बात करूं कि कौन हो, कहां से, क्या है? आंसू कैसे आ गया आपके? पता नहीं यार। मेरा साथी जो बोल रहा है वो मान ले। जल्दी चले जा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई नहीं देखिए हम जो है बस इस जगह को देखने आए थे। यहाँ पे बहुत सारे हादसे हो रहे हैं तो बस इस वजह से जो है हम इस जगह को देखने आए थे। आप कौन हो? जो आता है वो नहीं आता वापस। वापस नहीं जाता। मेरे बोल दिए आज चले जाओ भाई। गलत आ गया मैं। बजरंगबली माता रक्षा करना। देखिए हम जो है बस ये देखने आए थे यहाँ पे। हमें तो पता भी नहीं ऐसा कुछ हुआ। ऐसा है, आते ही नहीं हम, क्यों आते? हमें पता होता तो हम नहीं आते यहाँ पे। आप कौन हो? कोई अघोरी हो? कोई तांत्रिक हो? मेरी तपस्या भंग मत करो यहाँ आके। तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली यहाँ आके। यहाँ पे कौन सी तपस्या कर रहे हो आप? हर चीज बता रहे हो, जरूरी है क्या तुमको? मैंने बोल दिया यहाँ से चले जाओ तो चले जाओ। अजीब अजीब चीजें कर रखी है, नोटिस करा हुआ वीडियो में आप लोगों ने। समझ नहीं आ रहा तुम लोगों का? हम यहाँ से चले जाएंगे पर आप जो है यहाँ क्या कर रहे हो वो देखना है। हमें नहीं पता था कि आप यहाँ हो, तो अब जो हम यहाँ पहुंच चुके हैं तो पता लगा कर रहेंगे कि आप हो कौन और क्या कर रहे हो यहाँ पे। तेरी जान तेरे को प्यारी नहीं है क्या? मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। इधर आ, इधर आ, बता तुम तेरे को मैं कौन हूँ? भाई मुझे कुछ भी हो जाए यहाँ से बाहर निकलने के बाद जो है नेटवर्क होगा सीधा ले यार। निकलते हैं यार, छोड़ दो तुम। मुझे लग रहा है 5 मिनट थोड़ा वापस आओ। यार अपने पास कोई हथियार भी नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत बड़ी बेवकूफी होगी इसके पास ऐसे ही जाना। इसने भस्म लगा रखी है पूरे शरीर पे। तो और बंदे वो लेके आते हैं तो थोड़ा अच्छा। और ये देखो उसने अपने हाथ ऊपर घुमाया जितने में आग लग गई। बड़ी चीज है यार ये।